समाज को जागरूक करने के लिए बिथान की बेटी रचना रानी ने लिखी किताब कठपुतली दहेज बिहार के समस्तीपुर जिले के बिथान प्रखंड के पूर्व प्रमुख वर्तमान हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि विभा देवी और अशोक कुमार यादव का छोटी पुत्री रचना रानी जो अधिवक्ता बन गई है, उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए एक किताब लिखी है जिसका नाम है कठपुतली दहेज। उन्होंने बताया कि मेरा प्रयास है कि समाज की सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियां लिखकर अपने नाम को सार्थक करूं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाऊं। उनकी लिखी गई पुस्तक समाज को जागरूक पैदा करने के लिए दहेज और दहेज मृत्यु के कानून से संबंधित जानकारी भी प्रदान करती है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह पुस्तक महिलाओं की भावनाओं और दहेज से संबंधित कानून के मिश्रण का उपयुक्त स्रोत है, जिसका श्रेय वे अपने माता पिता और भाई प्रभात को बता रही है। उन्होंने मौके पर उपस्थित पत्रकार कृष्ण कुमार संजय, पंकज बाबा, विपिन कुमार, गौतम सिंह, विजय कुमार, अश्विनी कुमार, मोहम्मद आजाद इद्रीस, गौतम सिंह, पप्पू कुमार, सुड्डू कुमार, राजेश कुमार के अलावे अन्य कई पत्रकारों को सम्मानित करने का। और मैं आप सभी मीडिया वालों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर होता है वो प्रेस ही होता है। अगर आप लोग नहीं पहुँचाओगे, आवाज नहीं सही गलत पहुँचाओगे, फिर लोगों को मेन जो है आप ही के माध्यम से जाना होता है। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। दहेज को कैसे ही गलत है दहेज देना, उसके बारे में गलत कोई भी रिश्ते की बुनियाद पर उसमें पैसा नहीं होना चाहिए। यहीं से गलत बहुत सालों से चला हुआ है, पर जरूरी है बहुत सालों से चला हुआ है वो सही है। और भी ये तीन चीज इसके काम में मेन है कि कोई भी अगर औरत या फिर कोई भी लड़की अगर सक्सेसफुल होती है तो अगर उसके पति को अगर उसके नाम से जाना जाता है तो वो फिर वो जो उनका पति होता है वो ऑफेंड हो जाते हैं। बट अगर किसी की पत्नी अपने पति के सक्सेस में बहुत खुश होती है, तो मैंने इस चीज़ को भगवान कृष्ण से रिलेट किया है, जहाँ पे भगवान कृष्ण को लक्ष्मी पति बहुत जीने से पुकारा गया, तो वो कभी ऑफेंड नहीं हुए इस बात से। तो मैं इसको ये समाज में जागरूकता पैदा करना चाहती हूँ कि चाहे किसी भी औरत का सक्सेसफुल होना किसी भी उसके आदमी के लिए गलत है और प्राउड वाली बात है। और दूसरा, अगर कोई भी औरत अगर उसका पति मर जाता है तो उसको गांव समाज में किसी भी शादी में उसको बहुत सारा मतलब कोई भी रीति रिवाज करने के लिए नहीं लिया जाता, उसको अशुभ माना जाता है। पर हम लोगों को समझना चाहिए कि अगर भगवान ने किसी को बहुत अच्छा चीज अगर कोई मतलब छीन लिया है किसी, तो हमें और ऐसा करना चाहिए कि सोसाइटी को अच्छा जगह रखी उसको और खुशी मिले। और अगर हम लोग उसको अगर तिरस्कार कर देंगे तो इससे कुछ भी खराब बात नहीं है। तो मैं इन सबको छोटी 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 चीजें जो औरतों के साथ होती है, जो हम खुद में बदलाव लेके आ सकते हैं। हम लोग सब कुछ देखते हैं, हम गांव में रहते हैं, हमें सब बस इन छोटी छोटी चीजों को बस बदलाव लाना है। पहले खुद में शुरुआत होगी, फिर पूरी सोसाइटी में अच्छी बदलाव आ जाएगी। हाँ, किताब और कविता लिखने का आगे तो है। अभी मैं कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी देख रही हूँ, समझ रही हूँ, फिर मैं अच्छे से वो करके आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रचना रानी है, मैं काम से हूँ। मेरी मम्मी का नाम मोहिमा देवी है और पापा का नाम अल्का सर। और मैंने भी एलएलबी लॉ से किया हुआ है और अभी एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ाई है, अगर हम किताबी किताब तक ही रहेगा तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक समाज में बदलाव ना आए पढ़ाई किसी भी चीज़, तो कोई भी पढ़ाई किताबी कीड़ा होना नहीं। आप अपना अपना एक्सप्लोर करो जितना भी आपका पोटेंशियल है उस हिसाब से, और फिर बस हम लोग कुछ भी कर रहे हैं समाज में अच्छे बदलाव के लिए, ताकि ये जगह ये वर्ल्ड अच्छा जगह बने। मैं रूरल, मैं चिचनी गांव से ही हूँ। मैं बाहर मुझे मम्मी पापा ने पढ़ने के लिए भेजा,
सब कुछ ले जाए, बट मैं हूँ यहीं से। तो मैंने बचपन से बहुत ज्यादा देखा हुआ है, बहुत सारा इनजस्टिस मतलब बोल सकते हैं। तो मैं उस चीज को बस सभी लोग देखते हैं, ये चीज छोटी छोटी चीजें जो पूरी होती है औरतों के साथ सभी लोग देखते हैं, कोई कोई इसके पार्ट भी होते हैं, बट मैं चाहती हूँ लोग इस पे ध्यान दें, क्योंकि किसी भी मुझे लगता है मानसिक अगर कोई खुश रहेगा तभी वो आगे बढ़ सकता है। चाहे कोई भी औरत अगर गाँव में पढ़ी लिखी हो चाहे नहीं हो, बट उसका किसी को होना अधिकार नहीं। तो हमें इस मतलब इस जगह को, इस वर्ल्ड को अच्छा जगह बनाने के लिए छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या अपने माता पिता को जो क्या श्रेय देना चाहेंगे उसके लिए? अगर मेरे माता पिता ने अगर मुझे इतना नहीं देकर नहीं भेजा होता तो फिर मैं कुछ नहीं, मैं सोच भी नहीं पाती कि ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि आधा के बहुत मतलब सारा श्रेय मैं अपने माता पिता को भी देना चाहूंगी, जिन्होंने बेटी होने के बाद भी समाज में मुझे आगे बढ़ाया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया एक बेटे की तरह, कोई कुछ भी वो कभी पर्सनैलिटी नहीं।